असलम एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन सैफुररहमान के भाई के मसले के अलावा दो और मामले भी थे जिन पर मुस्लिम लीग नून के बड़ों को जस्टिस साकिब निसार की खुद मुख्तारी पसंद नहीं आई इनमें से एक तो सदर रफीक़ तारड़ से मुंसलिक था वाक़ कुछ यूं हुआ कि मरी के निवाह में सदर रफीक तारड़ के अजीज़ किसी से उलझ पड़े इस झगड़े का एक फरीक चूँकि सदर मुमलकत से रिश्तेदारी रखता था इसलिए जाहिर है पुलिस ने सदर के अजीज़ के बयान करदा वाक़ात को एफ़ आई आर का हिस्सा बनाया और दूसरे फरीक़ के लोगों को दहशत गर्दी के इल्ज़ाम में पकड़ कर अंदर कर दिया गिरफ्तार शुदा फरीक ने अपने लोगों को रिहाई दिलवाने के लिए अदालतों से रजू किया और यह दरख्वास्त भी लाहौर कोर्ट में जस्टिस साकिब निसार के सामने आ गई मामूली झगड़े के इस मुकदमे में अव्वल तो गिरफ्तारियां ही बेमानी थी और दूसरे दहशतगर्दी का इल्जाम तो बिल्कुल ही बेबुनियाद था अभी केस की समात शुरू भी नहीं हुई थी कि जस्टिस साकिब निसार को कहा गया आपने इन बंदों को ज़मानत नहीं देनी जस्टिस साहब ने यह हुक्म मानने से इनकार कर दिया और मेरिट पर जमानतें दे दी सदर रफ़ीक तारड़ जो मुस्लिम लीग नून के लिए अदलिया को राह रास्त पर रखने का काम करते थे नाराज़ हो गए और उनकी नाराज़ी साकिब निसार के पाँव की जंजीर बन गई एक और मसला रावल पिंडी से मुतल था हुकूमत चाहती थी कि रावल पिंडी के बलदयाती इदारों के बारे में एक ऐसा हुक्म जारी हो जो बलद्याती इदारों की सरबराही के लिए मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार का रास्ता आसान करते उसकी वजह यह थी कि एक अदारे में वोट बराबर हो गए थे और एक वोट चैलेंज होकर स्टे ऑर्डर का शिकार हो जाता तो बात बन जाती इस मामले में भी एहतसाब ब्यूरो के सैफुररहमान थे उन्होंने जस्टिस साकिब निसार को फ़ोन करके मतलूबा हुक्म जारी करने के लिए कहा जब उन्होंने इनकार किया तो सैफुररहमान ने कहा आपको जज भी तो हमने बनाया है इस पर बात बिल्कुल ही खराब हो गई जस्टिस साकिब निसार का जवाब था मैं उन वकीलों में से हूँ जिनकी प्रैक्टिस धाम से चलती थी मैंने जजी कबूल की है किसी से मांगी नहीं अब जो साकिब निसार को जानते हैं वो समझ सकते हैं कि उन्होंने मजीद क्या क्या, क्या कहा होगा इसके बाद जो हुआ वो ये था कि जस्टिस साकिब निसार और जस्टिस आसिफ सईद खोसा की तकर्री की तोसीक़ के रास्ते में सदर ममलिकत रफीक तरड़ा गए इन दोनों जजों की कन्फर्मेशन कैसे हुई यह अलग कहानी है उन्नीस सौ निन्यानवे में हालात ने पलटा खाया और नई सदी के आगाज़ में ही शरीफ खानदान सऊदी अरब चला गया और दो हज़ार सात में वापस आया 2011 में जस्टिस साकिब निसार सुप्रीम कोर्ट में जा चुके थे उन्हीं दिनों उनके वालिद का इंतकाल हुआ तो ताज़ियत के लिए नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ भी उनके यहाँ गए देखने वालों को लगा ताल्लुका की तलखी खत्म हो चुकी है यह तुर दुरुस्त भी था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के बाद तलखियाँ पालना किसी भी मुनसिफ के शायान शान नहीं मुस्लिम लीग नून को जब पानामा केस का सामना हुआ तो चीफ जस्टिस अनवर जहीर जमाली उस पांच रुकनी बेंच के सरबरा थे जो ये मुकदमा सुन रहा था जस्टिस जमाली रिटायर हुए तो जस्टिस साकिब निसार ने अज खुद ही इस बेंच में शमूलियत से गुरेज किया शायद किसी भी जज की तरह उन्हें अपनी जात इंसाफ के रास्ते में हायल नजर आ रही हूं उन दिनों जस्टिस साकिब निसार के मुस्लिम लीग नून के साथ माजी के तालुक की वजह से उन पर बार बार इल्जाम लगाया जा रहा था एक मौके पर तो उन्हें कसम खाकर यकीन दिलाना पड़ा कि शरीफ ख़ानदान के साथ उनका ताल्लुक माजी का है मगर इसका ये कतई मतलब नहीं कि वो इंसाफ के मामले में कोई रू रियायत करेंगे इस तसर की वजह से उन्होंने इस मुकदमे से खुद को दूर रखा अलबत् जब ये मुकदमा जे आई टी से गुजरता हुआ पाँच जजों की तरफ से नवाज शरीफ साहब की मुतफ़ा ना अहली पर ख़त्म हुआ तो जस्टिस साकिब निसार को जस्टिस सासफ़ सईद खोसा का फैसला दीगर जजों के इस्तदलाल के मुकाबले में ज़्यादा साइब लगा उसकी वजह गालिबा यह है कि इस फैसले में खालस उन मालूम को बुनियाद बनाया गया है जो पहले से ही अवाम के इल में थी और शरीफ ख़ानदान के मौक़ उनके बारे में बदलते रहे थे बहरहल जो कुछ भी हुआ इसके कुछ असर जस्टिस साकिब निसार पर भी आए जब इमरान खान और जहांगीर तरीन की ना अहली का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो उसे सुनने वालों में चीफ जस्टिस साकिब निसार खुद भी शामिल थे इमरान खान पर इल्जाम था कि उन्होंने इस्लामाबाद बनी गाला में अपना घर नामालूम जराये से हासिल करदा आमदनी से बनाया ऑफ शोर कंपनी पैसों के लेन देन के बारे में जो कुछ अदालत के रिकॉर्ड पर आया उससे पता चला कि यह मामला पैसों को छुपाने का नहीं बल्कि तफहीम हिसाब का है हिसाब किताब के सारे सबूत अदालत के सामने पेश हो गए तो इस मामले में इमरान खान सादको अमीन करार पाए तहरीक इंसाफ का ही एक मामला जहांगीर खान तरीन का भी था उन्होंने अपनी बैरून मुल्क जायदादों के बारे में मौकफ इख्तियार किया था कि अब वो उनके बच्चों के पास है और उनकी मलकियत के हवाले से उनका कुछ लेना देना नहीं अदालत ने जब कंपनियों पर पड़े दूसरी कंपनियों के ताले खोले तो पता चला सभी कुछ जहांगीर खान तरीन का है इससे पहले जहांगीर तरीन को अदालत ने कई बार कहा कि इन कंपनीों के बारे में तमाम मालूम फरहम कर दें मगर वह नहीं माने और आखिरकार ना हो गए इसी दौरान तो लाहौर की ऑरेंज ट्रेन का मामला भी लाहौर हाई कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया यह मुकदमा इस ट्रेन के रास्ते में आने वाले आसार कदीमा के हवाले से था यह मुकदमा चला खत्म हुआ मगर इसका फैसला महफूज कर लिया गया तकरीबन आठ महीने बाद यह फैसला सुनाया गया और इस पर काम आगे बढ़ा इस मुकदमे का हवाला वजीर अजम शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए दिया और उसकी जिम्मेदारी भी जस्टिस साकिब निसार पर डाल दी हालांकि वो इस बेंच में शामिल थे ना फैसला उनकी वजह से महफूज हुआ था उसकी जिम्मेदारी अगर किसी पर डाली जा सकती है तो वो सुप्रीम कोर्ट के सबक जज जस्टिस मकबूल बाकिर ही हो सकते हैं क्योंकि वो उस पांच रुकनी बेंच का हिस्सा थे जिसने ये फैसला करना था उन्होंने बावजूद अपना इख्लाफी नोट नहीं दिया जिसकी वजह से फैसले के इजरा में ताखिर हुई जब यह फैसला हो गया कि बादशरायत के साथ ऑरेंज ट्रेन चलेगी तो फिर चीफ जस्टिस साकिब निसार ने उसके रास्ते में आने वाली बहुत सी रुकावटें दूर की हैरत की बात है कि यह सब कुछ जानने के बावजूद वजीर आजम शहबाज शरीफ ने असम्बली में ऑरेंज ट्रेन में तखीर का इल्जाम उन पर क्यों रखा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी तारीख में उससे ज्यादा कभी ताकतवर नहीं हुई जितनी आज वजीर आजम शहबाज शरीफ को सवाए तहरीक के, के पाकिस्तान की सभी सियासी जमातों की हमायत है मुल्क की हमतदर स्टैबलिशमेंट उसकी पुष्ट पर खड़ी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसने बड़ी कामयाबी से तकसीम का पैदा कर दिया है पाकिस्तान में फोन सुनने के जितने भी आलात हैं वो सिर्फ तहरीके इंसाफ से मुतल होने वाली गुफ्तु को रिकॉर्ड किए चले जा रहे हैं और मन मर्जी के टुकड़े टीवी चैनलों को भेजकर चलवाए जाते हैं कानून की किताबों में जितने भी अकसाम के मुकदमा दर्ज हैं वो तहरीक इंसाफ पर बनाए जा चुके हैं इमरान खान के खिलाफ ताकत का हर मरकज़ सफारा हो चुका है एक सौ इक्कीस मुकदमे उन पर भी दर्ज हैं। उनकी पार्टी के कारकुन गिरफ्तारियों से बचते फिर रहे हैं उनके खिलाफ बोलने वालों के मुँह मोतियों से भर दिए जाते हैं और जो उनसे कानून के मुताबिक सलूक का तकाजा करें बैक जुम कलम गद्दार करार पा जाता है ये सब कुछ हो जाने के बावजूद इमरान खान की ताकत बढ़ती चली जाती है और हुकूमत अपनी कोताह कामती को अपने सय की तवालत में छुपा देना चाहती है इसलिए ज़रूरी है कि पहले ये साबित किया जाए कि इमरान खान जो कुछ भी हैं वो सहारों के ज़ोर पर ही तो हैं यानी दीगर सियासतदानों जैसे ही तो हैं कभी मौजूदा चीफ जस्टिस को उनका पुश्तीबान बताया जाता है कभी सबक चीफ जस्टिस सकिब निसार को उनका अतालीक बनाकर पेश किया जाता है ऐसा लगता है कुछ देर गुजरी तो मुस्लिम लीग नून फिजा हवा दरिया समंदर सभी को इल्ज़ाम देगी कि उन्हीं के, के गठजोड़ से इमरान खान की सियासत चल रही है हुकूमत जो बात समझ नहीं रही वो बिल्कुल सादा सी है सियासतदान की कुवत अवाम है अगर आवाम साथ नहीं तो आपकी पुष्त पनाही करने वाली सब ताकतें कमजोरियाँ बन जाती हैं